निरसा विधानसभा अंतर्गत इग्यारकुंड प्रखंड के चांच पंचायत बूटबाड़ी यात्री सेड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे धनबाद जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू का पारंपरिक नृत्य ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मौके पर कई युवाओं ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। समारोह के दौरान जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू ने बताया, सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया गया है, जिसका लाभ उठाकर युवा पीढ़ी व्यापार के लिए 25 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन कर जीवन यापन के लिए झारखंड सरकार के पास कई योजनाएं हैं। सोना सुवर्ण के तहत 10-10 में धोती साड़ी वर्ष में दो बार दिया जा रहा है। इस प्रकार सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसे हम कार्यकर्ताओं को धरातल पर लाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया, सरकार गरीब लाचारों की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने यहाँ तक बताया, जहाँ हक और अधिकार ना मिले वहाँ छीन कर ले लेना। वहीं उन्होंने यह भी बताया, निरसा विधानसभा से लेकर पंचायत स्तर तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराना है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इग्यारकुंड प्रखंड अध्यक्ष गोपिन टुड्डू एवं उनके पूरे टीम को धन्यवाद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो 25 लाख रुपए तक का युवाओं को अनुदान मिलेगा, जिसमें आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग युवकों को यह लोन मिलेगा। धोती साड़ी उनकी योजना का यहाँ जिक्र किया गया, साल में हम दो बार दिया जाएगा। प्रत्येक साल में हमें यह योजना आम गरीब भत्तों के लिए जो कार्ड खाली है उनको दिया जाना है। 10 रुपया में धोती साड़ी होगी, हरिया वगैरह भेजती है। उन लोगों को पूरे भारत में जोड़ने के लिए यह योजना चलाया गया है कि हम भैया दारू क्यों भेजे, हम रोजगार करें। उसके लिए सरकार चिंतित है, उनके लिए भी सभी मंडल के माध्यम से यह लाभ लिया जा सकता है। कई तरह की योजनाएं हैं जो हमारे प्रखंड में प्रखंड के पदाधिकारियों को कहेंगे किसान लाली साहब को दे दिया जाएगा। और निश्चित रूप से आप तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए यह आप एक अभियान के रूप में चलाएं कि जो हमारा अधिकार है, यदि हमको मांगने से नहीं मिलता है तो हम छीन के लेना पड़ेगा, छीन के लेना पड़ेगा। पार्टी के प्रखंड स्तर पर उसको समाधान का प्रयास होगा। यदि यहाँ से समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से जिला स्तर पर होगा। जिला में नहीं समाधान हुआ तो उसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। समाधान हर हाल में आपको करना है। जब जिला मजबूत होगा तो निश्चित रूप से विधानसभा में मजबूत होगा, विधानसभा में मजबूत होगी। इसका उदाहरण हमको पेश करता है जिला भविष्य में जो पंचायत चुनाव है, इस पंचायत चुनाव में हम कितने संगठित हैं, हम कितने मजबूत हैं, इसको दर्शाने के लिए हमको अपने पंचायत में ज्यादा से ज्यादा मुखिया, ज्यादा से ज्यादा पंचायत समिति सदस्य, ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद सदस्य, हम लोगों को खड़ा करके उनको सुनाना होगा। चाहे जल जनित कुलवासी हो, आलू सोफिंग हो, एमपीएल हो या बीसीसीएल के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रही हो, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सबने सरकार का निर्देश है कि 75% यहाँ के युवाओं को रोजगार देना होगा।